हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता क्लासेस। बच्चों, बीपीएससी तैयारी को लेकर के अपडेट जारी हुआ है, जिसके बारे में काफ़ी पहले से चर्चा हो रही थी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 में अप्लाई किया है और इसीलिए आपके अटेम्प्ट्स को बढ़ाने से लेकर के ये न्यूज़ है। हाँ जी, जिन बच्चों ने बीपीएससी 1, 2 और 3 दिया है और साथ ही जिन और अभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और मान लीजिए कि आपका तीसरा अटैम्प्ट था और आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मुबारक हो, अब आपको 2 अटैम्प्ट्स और मिलेंगे, यानी कि 3 की जगह अब आप 5 बार परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको बताएं कि दिसंबर सीटेट को लेकर के जो क्लासेस हैं वो अब स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए प्याजे है तो प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कोलबर्ग है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आए और आप उनको मिस ना कर पाएं। अब 3 की जगह 5 अटैम्प्ट मिलेगा, ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है, 1 या 2 नंबर से जो रह जाते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अटैम्प्ट का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, ताकि जो मतलब उन्होंने जो मेहनत की है या वो इस वजह से खाली ना रह जाए कि उनको 1 अटैम्प्ट और मिलता तो हाँ वो कर सकते हैं। अब आपको मिला है और आप करके दिखाएंगे, लास्ट अटैम्प्ट वाले फिर से तैयार हो जाएं, और अटैम्प्ट जो हैं वो क्लास वाइज काउंट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्लास 1 to 5 का दिया है, एक बार दिया है तो एक बार काउंट होगा, फिर एक बार में आपने 1 to 5, 6 to 8, 11 to 12 सारे ही दिए तो वो सारे एक एक बार, फिर आपने 1 to 5 दोबारा दिया तो वो दूसरा काउंट होगा, फिर आपने 1 to 5 दिया है तो वो तीसरी बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में प्राइमरी, जूनियर, सीनियर, सेकेंडरी सारे फॉर्म भर दिए तो आपके 3 अटैम्प्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, अब अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।